नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बाल विवाह की शिकार हुई 11 बच्चियों ने अपनी आपबीती सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पत्र लिखा। पत्र के बारे में जब हैदराबाद हाई कोर्ट को पता चला तो कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तहत मामले की सुनवाई का फैसला किया। बाल विवाह की शिकार 11 पीड़िताओं ने हैदराबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे एक पत्र का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है। पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, बहुत सी लड़कियां कच्ची उम्र में ही गर्भ धारण कर रही है। वे या तो गर्भवती होने के दौरान मर जाती है या फिर प्रसव के दौरान। सौभाग्य से वे बच भी जाती है तो उन्हें व उनके बच्चों को स्वास्थ्य समस्याएं जकड़े रहती है, जिससे उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। हाईकोर्ट ने कहा, बहुत सी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ पीड़िताओं को उपलब्ध ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई गई योजनाओं का लाभ केवल 18% पीड़िताओं तक ही पहुंच पाता है। उनके लिए कोई आश्रय गृह नहीं है, इसलिए बाल विवाह की कैद से मुक्त होने के बाद भी वे अपने ससुराल जाने के लिए ही बाध्य होती है, जहाँ उन्हें कई तरह के कष्ट, हिंसा और अत्याचारों को सहना पड़ता है। उनके माता पिता भी उन हालातों में नहीं होते कि उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित कर सके। अगर कोई अदालत जाता भी है तो उसके लिए बार बार चक्कर लगाना कठिन होता है। नतीजा वे हताश हो जाते हैं। तो वहीं पीड़ितों द्वारा मांग की गई है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में बाल विवाह पीड़िताओं के लिए 5% सीटें आरक्षित की जाए, विशिष्ट कौशल प्रदान करने वाले केंद्र शुरू किए जाए। पीड़ितों की तब तक आर्थिक सहायता करनी चाहिए जब तक कि वे इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए स्वरोजगार ना पाले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकृत बाल विकास योजनाओं का लाभ भी पीड़िताओं को पहुंचाया जाए। मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।